हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। उन्हां दे विच्चों अल्लाह दे नबी ने फरमाया एक ओ कतरा जेड़ा अल्लाह दे खौफ दे डर दे नाल इंसान दे अखां विच्चों निकलदा है और ओ अल्लाह दे खौफ दे डर दी वजह तू रोंदा है। अल्लाह फरमांदा है उस कतरे दे नाल मन बड़ा प्यार है, उस आंसू दे नाल मैनू बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ बंदा जेड़ा अपने गुनाहों नू अल्लाह दे दरबार च लेके आया, अल्लाह फरमांदा है कि वो कतरा आंसू दा थोड़ी अख विचों निकलदा है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि अल्लाह नू उस नाल इतना प्यार ते मोहब्बत है, हाले ताईं वो निकल के तेरी झोली दे अंदर नहीं आंदा, जो अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देंदे। अल्लाह दी रहमत बड़ी वसी। जिस वेले अमीरे हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो नो वहशी ने कतल शहीद कर दिता, अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ वहशी अल्लाह ने कुरान दी आयत नाजिल कीती है, अगर जे तू जानी है शराबी है तो कातिल है, मेरे चचा अमीर हमजा नू तू कतल कर दिता, लेकिन अल्लाह दा कुरान प्या फरमांदा है ला तक ना तू रहमत ला, मेरे अल्लाह दी रहमत को मायूस नहीं होना। इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, इंसान अल्लाह दे सामने आके अपने हत्थां नू फैलाते सही, अपनी जबीन नू झुकाते सही, अल्लाह दे सामने तू रोवण आला मुंह ता बना। अल्लाह फरमांदे मैं फैसला कर देवणा है, इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल ग़फूरुर रहीम। ए पहला अशरा मेरी रहमत है, सारी दुनिया अल्लाह दी रहमत मंगण वास्ते तैयार है, लेकिन अल्लाह फरमांदा है कि इस महीने दे अंदर मेरी रहमत बंदिया नू तलाश पई कर दिए, कोई आवे अल्लाह दी रहमत ले लवे। अल्लाह फरमांदा है कि मेरे दरबार ते जिस वेले आ गया गुनाहगार बंदा, इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, मैं अल्लाह करीम ने उसके सारे गुनाहानू माफ फरमा देना है। बल्कि अल्लाह ने दूसरे मकाम दे फरमाया जेड़े सच्चे दिल दे नाल मैं अल्लाह को माफिया मंग लेंदे ने कि अल्लाह मैं अज तो बाद जिना कोई ना करे सा, शिरक कोई ना करे सा, बिदत कोई ना करे सा, बेहयाई ते फहाशी ते गाने दे करीम मैं कोई ना जा सा, अल्लाह को पक्कियां माफिया मंग लेंदे है। अल्लाह दा कुरान फरमांदे यो बदिलुल्लाहु सही आती है, मैं अल्लाह करीम दी रहमत इतनी वसी है, तुसा इतने गुनाह कीते न के जमीन तो आसमान ताई खला भर दिता है, मैनु रब होवण दी कसम है सच्चे दिल दे नाल मेरे दरबार विच मैं अल्लाह तेरे गुनाहां नू भी नेकियां विच तब्दील कर दे सा। सच्चे दिल नाल आए तो सही ना अल्लाह दे दरबार, कितना बाबरकत महीना है माह रमजान उल मुबारक दा, और पहला अशरा फिर अल्लाह दी रहमत दा। कितना बदकिस्मत इंसान है फिर वो अल्लाह दी रहमत हासिल ना कर सके इस रमजान दे अंदर भी। अल्लाह अकबर। हदीस पाक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे अंदर आए, मिंबर ते चढ़न लगे, मिंबर दे उत्ते बाहुण वास्ते अल्लाह दे नबी ने पहली सीढ़ी ते पैर रखिया फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी ते पैर रखिया फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी दे उत्ते जिस वेले प्यार रखिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। साहबा ने पूछे या रसूल अल्लाह पहले कदी इस तरह नहीं कीता, जिस वेले सीढ़ियों उत्ते चढ़ दे आराम नाल चढ़ वेंदो आमीन 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 तीन दफा तुसी फरमाया, इसकी सानू समझ नहीं आई, ये दसो सानू। अल्लाह अकबर। ए हदीस तवज्जो नाल सुनो, इसके अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जी हाँ मैं अगे कदे इस तरह नहीं किया, मामूल के मुताबिक मैं कदे नहीं किया, आदत भी नहीं है मेरी, लेकिन आज कुछ खास गल हुई है इस वजह तो मैं आमीन 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 आख्या।
साहब ने पूछा या रसूल अल्लाह दसो किस तरह आख्या। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे को जिब्राइल अमीन आया और जिब्राइल अमीन ने तीन बद्दुआवां कीतियां और मैं तीनों बद्दुआवां दे बदले दे विच आमीन आके है। हुण तुसी अंदाजा खुद लाओ कि जिब्राइल अमीन बद्दुआ करन वाला होवे और इमामुल अंबिया खातमुल नबीयीन सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन आखण वाला होवे ओ बंदा तबाह बर्बाद हो सी कि ना हो सी। आमीन आखण वाला इमामुल अंबिया होवे और बद्दुआ करण वाला फरिश्तियां दा सरदार होवे तब ओ बद्दुआ अल्लाह दे हां कबूल हो सी कि ना हो सी जी। इन्हीं तक करो ना, मैं हदीस सुने ना, इमामुल अंबिया आमीन आखण वाले, फरिश्तियां दा सरदार, बद्दुआ करण वाला, कितनी बड़ी बद्दुआ हो सी। अल्लाह दे नबी ने फरमाया फरिश्ता जिब्राइल अमीन मेरे कोल आया, जिस वेले मैं पहली सीढ़ी दे उत्ते अपना पैर मुबारक रखिया, जिब्राइल अमीन ने पहली बद्दुआ की, फरमाया मन अदरक रमज़ान फलम युगफर लहू। जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ की के अल्लाह दे पैगंबर जी ओ बंदा तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, जिस बंदे दी जिंदगी दे अंदर रमजान दा महीना आया और उस रमजान दे महीने दे अंदर उसने रोजे रख के अल्लाह कोलो अपनी गुनाहों दी बख्शिश नहीं करवाए, अपने गुनाह माफ नहीं करवाए, ऐसा बंदा हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह दे नबी ने फरमाया आमीन। ए ऐसा बरकत वाला महीना है, अल्लाह दे नबी ने खुद फरमाया मन साम रमजान ईमान व एहतिसाब गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी। जिस बंदे ने रमजान दा रोजा इस हाल विच रखिया के ईमान व एहतिसाबन, उस दे दिल दे अंदर ईमान भी मौजूद है और नेकी दी नीयत भी कर लैंदा है। ए गल भी याद रखनी है कि रोजा उस बंदे दा अल्लाह दियां कबूल होणा है जिस बंदे दे अंदर ईमान होवे। जेड़ा बंदा मुशरिक होवे, काफिर होवे, हिंदू होवे, गैर मुस्लिम होवे, ऐसे बंदे दा अल्लाह दियां अमल कबूल नहीं आंदा। उसके मुतालिक अल्लाह का कुरान फरमांदा है हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। मुशरिक जितने भी नेक अमाल करता रवे, मैं अल्लाह ने उसके अमाल दुनिया के अंदर बर्बाद कर छोड़िया। मुशरिक दे अमाल के हिन बर्बाद हो गए, उसका अमल अल्लाह दियां कबूल नहीं होंदा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि जेड़ा बंदा रमजान दा रोजा रखे ईमान दी हालत दे अंदर और नेकी दी नीयत भी होवे, अल्लाह फर अल्लाह दे नबी ने फरमाया गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी। उसने आज तो पहले जितने भी गुनाह किए अल्लाह सारे दे सारे उसके गुनाह माफ फरमा दे सी। दूसरे नंबर दे फरमाया मन कामा रमजान ईमान व एहतिसाब गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी। जिस बंदे ने रमजान दी रातां दे अंदर कियाम कीता, तरावियां दे नाल अपना वक्त गुजारदा रहा, रात दे अंदर अल्लाह नू राजी करदा रहा, नवाफिल पढ़दा रहा, अल्लाह दे नबी ने फरमाया ऐसा बंदा भी जिस वेले रोजा रखदे रात दे अंदर कियाम कर दे तरावियां पढ़ दे, अल्लाह दे नबी ने फरमाया गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी। उसने अपनी जिंदगी दे अंदर इस तो पहले जितने भी गुनाह किए अल्लाह सारे माफ फरमा दे सी, सारे गुनाह माफ होवे सन,